शिव भजन को लेकर सुर्खियों में छाए इंडियन आइडल फेम और यूट्यूबर फरमानी नाज कट्टरपंथियों की नाराजगी का सामना कर रही है। फरमानी के शिव भजन हर हर शंभू को लेकर देव मन के उलेमा खासे नाराज है। वही अब फरमानी को सर तन से जुदा वाली धमकी भी मिलने लगी है। लोक गायिका फरमानी नाज की माने तो उन्हें सर तन से जुदा की धमकी मिल रही है। उन्होंने ट्विटर पर ये जानकारी देते हुए सरकार से सुरक्षा की मांग की। इतना ही नहीं, फरमानी ने मुस्लिम होने के बावजूद शिव भजन गाने के पीछे की वजह भी उजागर की है और कहा है कि वो जल्द ही हिंदू धर्म अपना लेंगी। फरमानी ने अपने एक ट्वीट में लिखा है, हर हर शंभू भजन गाने पर फतवा जारी हो गया है। जिहादियों द्वारा सर तन से जुदा की धमकी मिल रही है, सरकार मुझे सिक्योरिटी दे। इसके अगले ट्वीट में वो लिखती है, मेरे पूर्वज पहले हिंदू थे, इसलिए मैंने हर हर शंभू भजन गाया, जल्द ही हिंदू धर्म में शामिल हो जाऊंगी। फरमानी नाज ने 24 जुलाई को अपने YouTube चैनल से हर हर शंभू भजन अपलोड किया था, जिसे अब तक लाखों व्यूज मिल चुके हैं। उनका भजन जब वायरल हुआ तो देवबंद के कई मौलानाओं ने इन पर आपत्ति जताई और भजन को इस्लाम के खिलाफ बताया। शिवा महादेवा शंभु, शिवा महादेवा। वही हिंदू धर्म को मानने वाले लोग फरमानी के भजन की तारीफ कर रहे हैं और उन्हें सम्मानित करने की भी बात कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर यूट्यूब का इस्तेमाल करने वाले इंसान जानते होंगे कि फरमानी नाज अपने गानों की वजह से खूब चर्चित रहती है। फरमानी नाज यूपी के मुजफ्फरनगर जिले की एक जानी मानी गायिका है। उनकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनके यूट्यूब पर 4 मिलियन के आसपास सब्सक्राइबर्स है। इंडियन आइडल के सीजन 12 में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, जिसके बाद उनको काफी पहचान मिली। साल 2017 में उन्होंने मेरठ के इमरान से निकाह किया था। इसके बाद उनको एक बेटा हुआ। बच्चा होने के बाद फरमानी के ससुराल वालों ने उनकी मां से बच्चे के मेडिकल बिल का भुगतान करने के लिए कहा, जिसके बाद से फरमानी अपनी माँ के साथ रहती है। कहानी यही खत्म नहीं होती, बल्कि यही से फरमानी की कहानी शुरू होती है। फरमानी ने पहले कई बार इंटरव्यू में बताया कि उनकी पॉपुलैरिटी तो है, लेकिन व्यूज से घर नहीं चल सकता। हालांकि हाल के दिनों में मेहनत के बलबूते पर नाज ने अपना स्टूडियो भी बना लिया है। खास बात यह है कि उनके स्टूडियो में एक मंदिर भी है। अपने YouTube चैनल पर नाज ने एक ब्लॉग बनाया है, जिसमें उन्होंने खुद अपने स्टूडियो को दिखाया है, जो कि लाजवाब है। साथ ही उन्होंने बताया कि इस स्टूडियो को बनाने में उन्होंने करीब 1 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। वाकई फरमानी एक मिसाल है उन तमाम महिलाओं के लिए जो सब कुछ सहकर अपने ससुराल में रहना पसंद करती है। फरमानी इंडिपेंडेंट है, कमाती है, टैलेंटेड है। आज उनके लाखों फॉलोवर्स हैं। कह सकते हैं अपने टैलेंट और कभी ना हार मानने के जज्बे ने फरमानी को आज एक स्टार बना दिया है।